मैं वासिफ। ये वीडियो इस टॉपिक के लिए ख़ास तौर पे जो कंटेंट चोरी होने पे, जो कि कंपनीज और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स बगैर परमिशन के हमारा काम यूज़ करते हैं। स्टार्ट में जब मैंने अपना फोटोग्राफी का काम पोस्ट करना शुरू किया था, तो उसमें यह था कि मुख्तलिफ ट्रैवल कंपनीज़ ने बगैर पूछे हमारी इमेजेस और वीडियोज़ अपने पेज पर लगाना शुरू कर दी, अपलोड करना शुरू कर दी अपने प्रमोशनल पर्पजेज के लिए, बगैर पूछे, बगैर परमिशन लिए। और जब हम उनको फ़ोन करते थे या कॉन्टैक्ट करते थे रिमूव करने के लिए, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान का अच्छा इमेज प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें आपको फ़ख्र होना चाहिए। फ़ख्र होना चाहिए, ठीक है, अगर आप वो इमेज या जो भी आप वीडियो हमारा या कॉन्टेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसने बनाया, जिसने उसकी जो उसका ओनर है उससे आप पूछ के यूज़ कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है वो एक ज़्यादा अच्छा इमेज क्रिएट करेगा। उसका आप क्रेडिट्स में नाम दें, क्रेडिट्स में नाम भी नहीं देते, वो इवन कि वो जहमत ही नहीं करते ना कि हम यूज़ करें कहीं उसका नाम। उसके बाद मैंने एक साल पहले बनाई एक वीडियो बर्ड आई लाहौर, ठीक है। उसमें ये हुआ कि स्टार्ट में उन कंपनी कुछ लोगों ने मुझसे वो शॉर्ट्स बाय किए, परमिशन लेके यूज़ किया उन्होंने। लेकिन फिर क्या किया उन्होंने, कुछ कंपनी से बगैर परमिशन यूज़ करना शुरू कर दिया। इवन के डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे गए, वो इवन कि PIN ने अपनी प्रमोशन पर्पज़ के लिए यूज़ किए। ARY का एक ड्रामा आया था, उन्होंने आप इतनी उनकी कोई देखें आप, ARY वालों ने बगैर परमिशन के अपने OST में यूज़ कर लिया मेरा शॉर्ट। और जब मतलब वो तो YouTube पे लगा था, ऑन एयर भी हुआ था TV पे, लेकिन YouTube पे जब लगा मैंने उसको स्ट्राइक कर दिया और वो रिमूव हो गया था उनके, और वो रिमूव हो गया था उनके चैनल से। अभी रिसेंटली हम TV ने अवार्ड्स किए कनाडा में, ठीक है, इतना बड़ा बजट, इतने लोग उन्होंने बुलाया, और इतना मतलब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो। और उन्होंने क्या किया, चुप करके मेरे और हैदर अली कराची के उनके टाइम लैप्स यूज़ कर लिए, और मेरे बर्ड आई लाहौर के शॉर्ट्स यूज़ कर लिए। और शॉर्ट्स यूज़ भी कहाँ किए हैं, ये हैदर भाई अगर साथ चला दें शॉर्ट्स उन्होंने यूज़ किए हैं। अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो रही है, नेशनल एंथम के लिए सब खड़े हुए हैं, और स्टार्ट में नेशनल एंथम के पीछे हमारे शॉर्ट चल रहे हैं। किस बात से यार, आपको कोई शर्म नहीं है, आप अपना लेवल देखें, आपका लेवल क्या, और आप किस खटिया लेवल के काम करें यार। मतलब एक अगले की मेहनत है, आप पूछ के यूज़ कर लें। मतलब आप इवन के हम चार्ज भी ना करते उस चीज़ का यार, कि आप हमें आपको चार्जेस दें या पैसे दें, हमारे लिए वो भी एक ऑनर था। लेकिन अगर आप वो पूछ के यूज़ करते यार, हमने आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, हमने आपको ईमेल्स भेजी, हमने आपको पोस्ट भेजे आपके ऑफिस में, और आपने कोई कॉन्टैक्ट, तो इवन कि हमसे परमिशन लेकर अगर आप यूज़ कर लेते तो इट वुड बी काइंड इनफ। रिक्वेस्ट करूँगा मैं सबसे कि इस तरह की हरकतें ना की जाएँ, परमिशन लेके यूज़ किया जाए, परमिशन लेके आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, हमारे नॉलेज में हो, हमें क्रेडिट्स दिए जाएँ उस चीज़ के। और थैंक यू। मेरा नाम इरफान है, मैं एक यूट्यूबर हूँ फ्रॉम कराची पाकिस्तान। माय चैनल्स नेम इज़ इरफान जुनेजो, और उस चैनल से काफ़ी वीडियोस चोरी हुई हैं, टीवी चैनल्स ने चुराई हैं, जिसमें शामिल हैं ARY न्यूज़ 2-3 दफ़ा, समा TV, बोल और पाक व्हील्स। लेकिन चैनल्स की बात हम पहले करते हैं, क्योंकि ये करोड़ों के चैनल हैं, और पाकिस्तान की अच्छी इमेज पोर्ट्रे करने के लिए इन्होंने मेरी वीडियोज़ चुराई। अगर YouTube पे लगाई हों तो मैं कॉपीराइट क्लेम करके उनको स्ट्राइक भेज दूं, और मैंने भेजी है। ARY के चैनल पे एक स्ट्राइक गई है मेरी वजह से। लेकिन ये जो ऑन एयर चलती हैं और उससे एड्स का रेवेन्यू आता है और ये सब आता है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? और ये चैनल्स की ज़िम्मेदारी है कि ये छोटी सी इंडस्ट्री है जहाँ पर गिने चुने लोग हैं कॉन्टेंट क्रिएशन में, जो लोग ख़ुद अपने पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे जमा करके वीडियोस बना रहे हैं ताकि अपना शौक़ पूरा कर सकें और पाकिस्तान की बेहतर इमेज, खूबसूरत इमेज दुनिया को दिखा सकें। उसके ऊपर ये करोड़ों रुपए के टीवी चैनल्स उस पर चोरी करते हैं, टीवी पे चलाते हैं, वही फुटेज, वही बुलेटिन अपने यूट्यूब पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, और लाखों रुपये कमाते हैं। तो इससे चोरी अपनी जगह है, लेकिन ये इंडस्ट्री जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये डिस्करेज होते हैं।